फोटोशॉप के अंदर इस तरह का जूते का अगर आपको पोस्टर डिज़ाइन करना है इस तरह से, यहाँ देख सकते हैं एक पहाड़ का तस्वीर है, देखिए उसके ऊपर ये जूते का तस्वीर लगा हुआ है, प्लस इस तरह से टेक्स्ट लिखे हुए हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है इस तरह का पोस्टर डिज़ाइन करना। चलिए देखते हैं फोटोशॉप में कैसे करते हैं। सेम डिज़ाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे लेयर बाय लेयर मैंने डिज़ाइन किया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे फोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फ़ोटो लेकर आता हूँ, यहाँ फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आया। अब यहाँ पे जिस फोल्डर या जिस ड्राइव में मैंने रखा है फ़ोटो डाउनलोड करके, उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जूते का फोल्डर है सू नाम से। अब यहाँ पे देखिए एक इस तरह से माउंटेन का देख सकते हैं एक तस्वीर मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, और कौन सा वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया वो भी मैं आपको बताऊँगा। unsplash.com से मैंने इस तरह का तस्वीर डाउनलोड किया है, उसको ओपन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए खूबसूरत सा, देखिए हरी वादियों में देखिए ये तस्वीर आपको दिख रहा है, सिंपल है, बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा तस्वीर है। अब आप चाहें तो इसी के ऊपर आप पोस्टर बना सकते हैं, अदरवाइज़ अपना पेज आप ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जूते का एक फ़ोटो लेकर आते हैं, ओपन पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए PNG एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ये सू का तस्वीर लिया है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन पे क्लिक कर दिया मैंने, ये तस्वीर आ चुका है देखिए बिना बैकग्राउंड का। इसे ड्रैग करके अपने डिज़ाइन पे ले जा कर रखते हैं, ये देखिए मैंने रख दिया। अब जो भी कुछ लेकर आते हैं अलग से विंडो में ओपन होता है, उसे हम लोग इस तरह से क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर जूते का जो तस्वीर है देखिए आ चुका है, उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, पहले तो कंट्रोल टी करेंगे उसके बाद ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इस तरह से ड्रैग करेंगे, जूते का तस्वीर को देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, लगा दिया यहाँ पे, उसके बाद इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए नीचे का ये पोर्शन देखिए अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे हमें क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। तो बहुत सारे तरीके हैं डिलीट करने के, तो मैं एक सिंपल तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो पॉलीगन लैसो टूल है, इस पर क्लिक करके इतना जो एरिया हिस्सा आप इस फोटो का सिलेक्ट करें, जैसे ये देखिए मैं इसको यहाँ से इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह सिलेक्ट कर देता हूँ, ये इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिंपल है, आप इरेजर टूल भी यूज़ कर सकते हैं, पेन टूल भी यूज़ कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कीजिए डिलीट करने के लिए। मैं सिंपली इसको यहाँ से इस तरह से ये देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया, जिस जगह से स्टार्ट किया था उसी जगह लाके मैंने मिला दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिल्टर सिलेक्ट में जाके थोड़ा सा फेदर कर देते हैं, यहाँ पे देखिए फेदर मैं कर देता हूँ 4 रेडियस, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया, हो गया। उसके बाद यहाँ एडिट में जाके इसको हम लोग कर देते हैं क्लियर, देखिए सुंदर से देखिए ये बैकग्राउंड यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब सिलेक्ट में जाके इसको यहाँ से इसको डीसेलेक्ट कर देते हैं, देखिए खूबसूरती ढंग से ये जो है यहाँ से डिलीट हो गया है। और उसके बाद ये जो है ठीक जूते को ठीक यहाँ पे लगा देंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सा ब्लर आपको एरिया दिखाई दे रहा, हो गया। इस तरह से आपको लगा देना है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको टेक्स्ट लिख देना है, जैसे यहाँ पे देखिए मैं टेक्स्ट लिखा है, क्या लिखा है, जैसे न्यू कलेक्शन देख सकते हैं शूज़ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा, एक नया लेयर लेता हूँ और ये जो टाइप टूल है यहाँ पर टाइप टूल पर क्लिक करके जस्ट यहाँ पर क्लिक कर दिया, कर्सर आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ से एक फॉन्ट लूँगा मैं, जैसे यहाँ पे एक फॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है एम्स्टर्डम, यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट है मेरे पास, ये देखिए एरियल, यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, ये देखिए। अब मैं लिखूँगा, कर्सर काफ़ी बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं पहले, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, ये देखिए कर्सर आ चुका है, काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, नॉर्मल से एक फॉन्ट में मैं लिख देता हूँ, लिखना मुझे न्यू कलेक्शंस, NEW न्यू कलेक्शन, COLLECTION कलेक्शन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से छोटा करता हूँ, ये देखिए को यहाँ पे मैंने छोटा किया इसको थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। अब ये जो फॉन्ट है इसको पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये जो फॉन्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस लेयर पे जाते हैं, इस फॉन्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए सिलेक्ट किया। अब यहाँ से मैं वो फॉन्ट चेंज करूँगा, ये देखिए एम्स्टर्डम, ये देखिए हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे सुंदर सा देखिए इस तरह से टेक्स्ट मेरा आ चुका है, लेकिन ये कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो कलर हम लोग चेंज करेंगे। तो पहले तो आई ड्रॉपर टूल पर ये जो कलर आपको दिख रहा है जूते का ये अच्छा है,
तो इसको मैं यहाँ पे ग्रीनरी पोर्शन में सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें कलर दे देता हूँ। अगर पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए फिर दूसरा, ये थोड़ा डल लग रहा है, हल्का लाइट हो गया, थोड़ा सा और इसको शार्पनेस वाला जिस तरह ब्राइटर एरिया है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगेन टेक्स्ट को हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करते हैं और इसको कलर हम लोग थोड़ा सा और इसको इन्हेंस कर देंगे। ये देखिए हो गया कलर, सुंदर सा कलर यहाँ पे लग गया। अगर आपको छोटा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा और इस तरह से इसको इस तरह से एडजस्ट हम लोग कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे लिखना है शूज़, तो आप चाहें तो इसी को सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे, कॉपी बन जाता है। अब यहाँ पे कर देते हैं शू, कर देते हैं SHOE, कर दिया। जैसे यहाँ पे लिखे, देखिए लिखा हुआ, देखिए इस तरह से मोटा फॉन्ट में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मोटा फॉन्ट लेंगे, ये वाला फॉन्ट। तो इसको पहले टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक फॉन्ट लूँगा जो मैंने अभी अभी दिखाया। मैंने आपको फॉन्ट का नाम है जैसे ब्रिटानिका बोल्ड यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट है। मैंने यहाँ पे देखिए बहुआज 93 है, ये देखिए हो गया। अब इसको ड्रैग करके थोड़ा सा हम लोग इस तरह से बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ये देखिए सिंपली इसको यहाँ पे लगा देंगे। या अगर आप पसंद नहीं आए तो यहाँ पे भी, ये जगह पे भी अच्छा लगे, जैसा आपका दिल करे, जिस जगह आपको पोजीशन अच्छा लगे कि नहीं इस पोजीशन में ठीक है, दिस इज़ लुकिंग गुड, ठीक है, अच्छा है। हो जाने के बाद इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करके थोड़ा सा देख लेते हैं, यूनिक कलेक्शन को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। थोड़ा सा समय दे के आपको करना होता है, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पे लगाएंगे और ये जो शू है, शू वाला लेयर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ठीक यहाँ पे लगा देंगे, या इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, या यहाँ पे लगा देंगे। देखने में अच्छा लग रहा, हो गया। अब फाइनली अभी तक हुआ नहीं है, अब इसमें थोड़ा सा और इन्हेंस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है ऊपर वाला लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर एक और लेयर यहाँ पे सिलेक्ट किया ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल, उसके बाद यहाँ पे लेटर ई प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, सारे लेयर मर्ज होके एक नया लेयर बन जाएगा। उसके बाद इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, लेवल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ये जो लेवल है थोड़ा सा ब्लैकिश पोर्शन तो ये एरिया बढ़ाएंगे, जैसे गाढ़ापन आ जाता है इसमें। ओके पे क्लिक कर दिया, हो गया। फिर इमेज में जाके यहाँ से यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाके यहाँ पे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट को हम लोग बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा ये ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा के रखेंगे। तो खिला हुआ देखिए इस तरह से हल्का सा इसको बढ़ा दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे ये डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जिस जगह भी आपको सेव करना है यहाँ पे वो डेस्टिनेशन लोकेशन चूज़ कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जे पैक और यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं SHOE पोस्टर, कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया सेव पे, देख सकते हैं बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद आप इस तरह से इसको सेव कर दीजिए जेपैक ऑप्शन में, तो आपका पोस्टर बनके तैयार हो जाएगा। बहुत इजी है, सिंपल है इस तरह का पोस्टर। उसके बाद देखिए जेपैक का ऑप्शन आ रहा है, ये थोड़ा सा स्लो हो गया मेरे मशीन, ये देखिए। अब ओके पे क्लिक कर देंगे, अब मेरा पोस्टर बनके तैयार हो गया। अब थोड़ा सा बाहर निकल कर हम लोग देखते हैं भाई कि कैसा बना है। फॉर अपलोड में जाते हैं यहाँ पे, ये हम लोग गए, हम लोग यहाँ पे शू वाला फोल्डर में मैं जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए शू पोस्टर है, इसको राइट क्लिक करके अब इसको हम लोग देखेंगे। ये ओपन पे मैंने क्लिक कर दिया, ये पहला वाला डिज़ाइन था जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। अब देखिए, अब यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने बनाया है वो डिज़ाइन आप यहाँ पे देखें, ये देखिए बनके तैयार हो गया। सिंपल है, इजी है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कैसे इस तरह का सिंपल सा शू का पोस्टर डिज़ाइन करेंगे फोटोशॉप के अंदर। और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।